क्वेश्चन नंबर फोर में आपको नहीं, आपको ब्रैकेट भी गिवन है और प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चार ऑपरेशंस गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, बियो डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आपको साइन गिवन है डिवीजन, इट मीन्स आपने दोनों फ्रैक्शंस की डिवीजन करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, 9 + 1 / 3/13 / 26/33 माइनस अंडर द स्मॉल ब्रैकेट 21/121 डिवाइडेड बाय 71/111। क्या करना है आपको, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो बाकी वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी, 3/13 × 26/33 माइनस ब्रैकेट। आपने क्या करना, डिवीजन करनी है फर्स्ट, इट मीन्स आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा। माइनस, देखिए यहाँ पर कोई, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन किसी नंबर से कैंसिलेशन नहीं हो रही है। ये क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी 121 111, सो कैंसिलेशन नहीं होगी तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 21 × 101 121 × 71 9/11 + 3/13 × 26/33 माइनस, मल्टीप्लिकेशन में रेफर का कॉलम बनाएंगे, 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2 1 3 3 2 क्या है आपके पास, 2 3 3 1 आप 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, 1 × 1 = 1 2 × 2 1 × 1 7 × 7 = 7 7 × 2 = 14 7 × 7 = 7 7 + 1 = 8 7 + 2 = 9 5 + 4 + 1 = 5 8 as it is आपके पास आंसर आया 8591 मतलब 2331 एंड 8591 आपका आंसर है, क्योंकि आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इट मीन्स हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। अब देखें, डिवीज़न आपकी हो गई, नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको किन दो फ्रैक्शन के बीच में गिवन है, 3/13 × 26/33 मैं यहाँ कैंसिलेशन कर लूँ, 31 × 31 13 2 × 26 3 × 3 3 × 3 एंड 3 × 3 आपके पास आया 9/11 + 1 1 1 1/1 एंड 2/11 −2 3 3 1 8 5 9 9/11 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैल्यूज आपकी सेम आएंगी, 8591 9/11 + 1 2 = 2 1 1 = 11 −2 3 3 1 8 5 9 1 अब देखिए आपने क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया आपके पास। डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो हम क्या करेंगे, 9 + 2 / 3 3 1 / 8 5 9 9 + 2 11 / 11 - 2 3 3 1 8 5 9 1 11 1 = 11 11 1 = 11 आपके पास आया 1 − 2 3 3 1 8 5 9 1 अब देखें यहाँ क्या करना है आपने, 11 × 1 = 11 अगर मैं यहाँ शो कर दूँ तो देखें फ्रैक्शंस आपका कंप्लीट। बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन है, जब भी आप में सब्ट्रैक्शन की साइन होती है आप क्या देखते हैं कि आपका डिनोमिनेटर कॉमन है या नहीं, अगर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता तो हमें कॉमन बनाना पड़ता है। अब देखें यहाँ पर 1 और 8591 डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर 8591 ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू, मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 8591 1/1 है, 1 उसको हम 8591 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8591 = 8591 जब हमें ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8591 - 2
4,331 एंड 8,591 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम किससे मल्टीप्लीकेशन में क्या शो करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लीकेशन कर लें, एट फाइव नाइन वन आपका कॉमन, 8591 माइनस 2331, 8591 में से माइनस करेंगे 2331, 2331 में से 1 माइनस किया 0, 9 में से 3 माइनस किया हमने 6, 5 में से 3 माइनस किया 2, 8 में से 2 माइनस किया 6, आपके पास आंसर आया 6260 अपॉन 8591। कैंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर है, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8591 को 6260 से डिवाइड करेंगे, 6260 वन जा 6260, 1 में से 0 माइनस किया 1, 9 में से 6 माइनस किया 3, 8 में से 5 माइनस किया 3 एंड 8 में से 6 माइनस किया 231, आपके पास आंसर आया 1 होल 2331 अपॉन 8591, इट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी के बाद हम डी स्टार्ट करेंगे, डी में आपको ब्रैकेट गिवन है, इट मीन्स आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 1 होल 1/6 मल्टीप्लाई बाय 7 होल 1/5, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 13/25 माइनस 1 होल 2/3। मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 6 1 6 6 + 1 7 7/6 मल्टीप्लाई बाय 5 7 35 35 + 1 36/5 डिवाइडेड बाय 25 2 50 50 + 13 63/25 माइनस 3 1 3 3 + 2 5/3। कैंसिलेशन कर लें, 6 1 6 6 6 + 36 आपके पास आंसर आया 7/1 मल्टीप्लाई बाय 6/5 डिवाइडेड बाय 63/25 माइनस 5/3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैल्यूज़ आपकी सेम, 7 6 42 42/5 डिवाइडेड बाय 63/25 माइनस 5/3। अब देखिए आपके पास दो ऑपरेशन गिवन है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन, डिवीजन में रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल में फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन का साइन चेंज जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स होकर जाएगा 25/63, 5 5 5 5 5 25 एंड 7 के टेबल से अगर मैं कहूँ 7 6 42 7 7 9 63 आपके पास फ्रैक्शन आया 6/1 मल्टीप्लाई बाय 5/9 माइनस 5/3 था, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन करनी है 6 को 5 से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सिक्स मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3/5 माइनस 5/3, 6 5 ज़ा 30, 1 9 ज़ा 9 माइनस 5/3। अब देखिए आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है और साइन आपके पास है सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स आपने फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन करनी है, और सब्ट्रैक्शन में आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट होता है तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे 9 एंड 3 का, 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, आंसर इज 3 3 ज़ा 9। तो आपने क्या करना है, मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 9, मतलब डिनोमिनेटर्स को आपको आपने 9 बनाना है, 3/9 ऑलरेडी डिनोमिनेटर 9 मौजूद है, तो हम क्या शो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 5/3, 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 3 ज़ा 9, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमिनेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन्स 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 / 9 1 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 30 - 15/9, 30 - 15 15/9 डिवीजन कैंसिलेशन होगी 3 के टेबल से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5/3। अब देखिए कैंसिलेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 5 को डिवाइड करें 3 से, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 माइनस किया तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आया, इट मीन्स आंसर आपका आया है
वन होल टू अपॉन थ्री, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का मैंने सी एंड डी आपको सॉल्व करवा दिया है, ए बी एंड ई आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। कॉपीज़ कंप्लीट करके चेकिंग करवा लीजिए, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद मैं किसी की कॉपीज़ चेक नहीं करूँगी। सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए और ना ही क्लास ये लेक्चर दोबारा रिपीट होगा, ये बात याद रखिएगा।